जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीपीओ के लिए प्रैक्टिस सेट होगा 2। इसके पहले जो भी बच्चे सेट नंबर 1 नहीं देखें वो जाकर चैनल पर देखिए और सोल्यूशन को खुद फिल कीजिए, ठीक है। तो आज क्लास एकदम होने वाला है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग सीपीओ का एकदम टॉप टॉप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एसएससी सीपीओ के लिए जो जो भी क्वेश्चन होता है वो टीसीएस का जितना भी क्वेश्चन है आपका सीजीएल का, सीजीएल मेंस का, ठीक है, और सीएचएसएल का, एमटीएस का, सभी का हम लोग टॉप क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो सभी करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सीपीओ है तो खाली सीपीओ क्वेश्चन करना है, नहीं, टोटल क्वेश्चन करना है, एमटीएस का भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं रेलवे का भी और इसका, अभी सीपीओ का चल रहा है, ठीक है। इस पर हर एक मैथ का पूरा कंप्लीट तैयार कराया जाएगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 389x 6378y 72 से विभाज्य है, तो √6x + 7y का मान निकालना है। ये आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो 72 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है कि मतलब वो जो नंबर है 9 और 8 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, मतलब दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए नंबर यहाँ पर क्या है, 389x 6378y है। अच्छा, इसको 9 से, इसमें क्या 72 से मतलब क्या है कि इसमें हमको चेक करना पड़ेगा किससे किससे, 9 से कर लेंगे और 8 से कर लेंगे। तो 9 से कटने का रूल क्या होता है कि जितना भी डिजिट होता है सबको हमको उसको जोड़ते हैं और उसको 9 से उसको डिवाइड करते हैं, और 8 से कटने का रूल क्या होता है कि लास्ट का जो 3 अंक होना चाहिए वो 8 से कटने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 8 से चेक कर लेंगे, 8 से चेक करेंगे इसलिए क्योंकि हमको ईजी पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 से कटने का रूल क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट, तो यहाँ पर 7 8, यहाँ से 8 से कटने वाला तो यहाँ पे 8 9 72, ठीक है, बच गया 6। तो y का वैल्यू क्या होगा, तो एक हो जाएगा आपका y यहाँ पर है, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या 8 8 64, मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 4 होगा, क्योंकि 8 9 72 है, बचेगा 6, 8 8 64। उसके अलावा और भी कोई वैल्यू हो सकता है क्या, देखिए 8 8 64, 8 9 72, नहीं, y का ओनली 1 वैल्यू होगा, तो y का वैल्यू क्या हो गया ओनली 4, y का मेरा मान निकल गया यहाँ पे। देखिए इससे कितना फायदा हो गया, लास्ट का पहले हम लोग 8 से चेक करने का मतलब क्या है कि मेरा वाई का वैल्यू 1 निकल गया। क्वेश्चन इस तरह से सेट रहता है कि वाई का एक ही वैल्यू यहाँ पे लिया, ठीक है। कभी कभी कोई क्वेश्चन में क्या होगा कि बहुत सारा वैल्यू लेगा, 2 3 वैल्यू लेगा, फिर उसको हम लोग सेटिस्फाई करेंगे दोनों कंडीशन से तो फिर आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पर देखिए वाई का वैल्यू 4 आ गया। अब इसको 9 से कटने का रूल क्या है, 9 पर हटा देते हैं जहाँ जहाँ 9 आ रहा है, 6 3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर कितना है, 8 3 11 11 7 18, और 9 का मल्टीपल का सब हटा देंगे, 8 3 11 7 18, 9 से खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया x + 8, और y का वैल्यू कितना आया था, 4 आया था, इसको हमको 9 से कटना चाहिए, तो 8 4 12 12 + x/9, 12 में कितना जोड़े कि 9 से कट जाए, तो पहाड़ा पड़िए इसको, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो एक तो वैल्यू हो जाएगा आपका 9 2 18, तो 12 6, x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 6 हो जाएगा। और भी कुछ हो सकता है क्या, देख लेते हैं चेक करके। अच्छा 9 3 27 27 करने के लिए हमको कितना जोड़ना चाहिए, 15, मतलब 2 डिजिट का नंबर आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है एक ही डिजिट का नंबर पुट होगा ना, इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू ओनली वैल्यू क्या हो गया, 6, वाई का वैल्यू 4। बस इतना ही समझना है नंबर सिस्टम इसमें डिजिटल रूल में, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग धुआं धुआं करेंगे, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे मेरा नंबर सिस्टम ऐसे मेरा पढ़ाया हुआ है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जाके चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम टॉपिक में, क्लियर है भाई। अब यहाँ देखिए x = 6 है, y = 4, अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसका क्या हो सकता है, देखिए x का वैल्यू कितना है, 6 6 36 + 7 28, तो कितना आ गया, 8 6 14 कितना रहेगा, 3 2 5 1 6 64 का वर्गमूल कितना होता है जी, 8। तो ऑप्शन कौन सा मेरा हो गया, ऑप्शन हो गया मेरा ऑप्शन बी, ये आपका मेंस का सवाल आया हुआ था, ठीक है भाई, क्लियर है। किसी भाई को कोई दिक्कत इसमें, एकदम नहीं होना चाहिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि 5x, इसको ये जेड नहीं है, 2 है, ठीक है,
फाइव एक्स टू वाई सिक्स जेड, सात ग्यारह तेरह से विभाज्य है, तो x माइनस वाई प्लस थ्री जेड का मान ज्ञात करना है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। जब भी बोलेगा कि सात ग्यारह तेरह जो नंबर होता है उसे उससे डिविनिटी रूल जो होता है क्या है कि गुना करेंगे कितना आ जाएगा जी, इसको आ जाएगा एक हज़ार एक आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी सात ग्यारह तेरह से डिवाइड होने का रूल क्या है कि जो भी यहाँ पे डिजिट है वो क्या होता है, तीन तीन डिजिट का इसमें बनता है पेयरिंग, ठीक है, और ये अपने आप रिपीट हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है देखिए, फाइव है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे टू है, वाई है, सिक्स है, जेड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीन 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 का पेयर बनेगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्स बीच में आ गया, तो यहाँ पे पाँच, अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है छः है, तो इसको सिक्स ले लेंगे तो कितना है पाँच सौ बासठ, पाँच सौ बासठ आ गया, और यहाँ पे टू हो जाएगा जेड के जगह पे, पाँच सौ बासठ का बन रहा है रिपीट, तीन तीन डिजिट में रिपीट होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाँच सौ बासठ, पाँच सौ बासठ, पाँच सौ बासठ, ऐसे करके पेयरिंग बनते हुए चल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट जानना था, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा एकदम सेकंड भर में। तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ जाएगा सिक्स, वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा फाइव, और जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुटिंग कीजिए, इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिक्स माइनस फाइव प्लस तीन दूनी छः, तो छः छः बारह, बारह में से पाँच कितना बचेगा सेवन। ये आपका सी पी ओ का आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ये हो गया, ठीक है भाई, समझ में आ गया मस्त तरीके से। तो यहाँ पे दो सीरीज पहले ब्रेक होगा, तो वन प्लस फोर प्लस सेवन प्लस टेन प्लस डॉट 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 ट्वेंटी टर्म्स, और फिर यहाँ से क्या बैठेगा, एक बैठेगा तीन, फिर पाँच, फिर सात, फिर नौ प्लस ग्यारह प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ट्वेंटी टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। दो दो सीरीज को पहले ब्रेक कर देना है, ऐसा ए पी सीरीज में ब्रेक करना है, ठीक है, पैटर्न पे। अब यहाँ पर देखिए वन फोर सेवन टेन ट्वेंटी टर्म्स तक इसको ऐड करना है, तो इसका सबसे पहले हमको निकालते हैं, पहले एन ए टर्म एनमा टर्म क्या है वो पहले निकालते हैं, उसका फिर हम लोग क्या कर लेंगे सम कर लेंगे। तो यहाँ देखिए तो टी ट्वेंटी इसको क्या लिख सकते हैं, टी ट्वेंटी इक्वल टू क्या होगा ए प्लस नाइनटीन डी हो जाएगा। अच्छा ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है वन प्लस उन्नीस इंटू डी का वैल्यू क्या है तीन है, डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, तो उन्नीस से संतावन एक कितना हो गया अंठावन, तो लास्ट टर्म यहाँ पर कितना आ गया ये आ गया प्लस आ जाएगा फिफ्टी एट, ठीक है। उसी तरीके से इसका निकालते हैं, इसका निकालेंगे तो क्या बनेगा इसका ये टी ट्वेंटी वन कर देते हैं इसको, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसके लिए निकाले हैं फिर इसके लिए निकाल लेते हैं। अच्छा इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई टी ट्वेंटी टू इसका क्या होता है ए प्लस, तो ए कितना है थ्री प्लस नाइनटीन, डी क्या क्या हो जाएगा फाइव माइनस थ्री कितना होता है टू, तो उन्नीस दूनी अड़तीस, अड़तीस तीन इकतालीस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा लास्ट टर्म यहाँ पे आ जाएगा आपका 41, 41 तक चल जाएगा, ठीक है, प्लस 41 आ जाएगा लास्ट 20 टर्म जगह पे, क्लियर है। अब हमको जब पता हो गया कि यहाँ पे लास्ट टर्म इतना आ गया 41 और लास्ट टर्म कितना 58, तो सम ऑफ एन टर्म्स फॉर्मूला क्या होता है कि एस एन का होता है एन बाई टू, एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है डायरेक्ट। अच्छा इसको देखिए तो यहाँ पे अच्छा एन कितना है यहाँ तक 20 टर्म है, तो इसको निकालें ये हो जाएगा 20 बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना आया 58 डायरेक्ट निकल गया, उसके तरीके से कितना आ गया 20 बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म कितना है लास्ट टर्म कितना आ जाएगा 41, इसको सॉल्व करना है तो कितना बार में 10 हो गया, 10 गुना 59 कितना हो गया 590 माइनस प्लस ना, अच्छा 41 दिन कितना होता है 44, तो जीरो नौ चार तेरह के हाथ में रहा एक पाँच चार नौ एक दस कितना आ गया 1030 आंसर आ रहा है 1030 इधर राइट आंसर मेंस का सवाल था। देखिए सवाल में कुछ नहीं करना, पहले क्या करना दो सीरीज में पहले हमको ब्रेक करना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो दो सीरीज का क्या क्या ब्रेक होगा, पहले बनेगा 1 4 7 10 ऐसे करके बनेगा 20 टर्म तक, फिर सेकेंड में क्या बनेगा 3 5 फिर 7 9 11 ऐसे करके बन जाएगा 20 टर्म तक। तो सबसे पहले क्या करना है हमको कि पहले हम लास्ट टर्म यहाँ से निकाल दें कि लास्ट टर्म क्या है, ठीक है, इसे भी निकाल लिए सेम फॉर्मूला क्या था टी ट्वेंटी क्या होगा ए प्लस 19 डी और डी का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 में से गया 3 तो कितना आ गया 58 लास्ट टर्म हमको निकल गया।
उसी तरीके से इसमें निकाला लास्ट टर्म कितना 41। अब फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1, लास्ट टर्म कितना आ गया 58। बस हो गया सॉल्व, ये वाला जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ गया मस्त तरीके से, कोई डाउट किसी भाई को। 3 के पावर 33 प्लस 3 के पावर 33 ठीक है, इनटू 2 के पावर 33 प्लस 2 के पावर 33 बराबर 6 to the power कितना है x है, तो x का मान निकालना है। ठीक है, अभी मैथ्स का सवाल है। अच्छा सिंपल सा क्या करेंगे इसको, 3 के पावर 33 से 3 बार है तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 के पावर कितना हो जाएगा 33। अच्छा ये कितना है 2 बार है तो 2 × हो जाएगा 2 के पावर 33 और 6 to the power x है। अब यहाँ देखिए तो बेस सेम है, अच्छा बेस सेम हो जाएगा तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा जी 33 है 1 34 इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहता है छुपा हुआ है 33 है 1 34 बराबर क्या हो जाएगा 6 to the power x। अब यहाँ देखिए पावर अगर सेम होता है तो बेस क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 × 6 के पावर कितना आ गया 34 बराबर 6 के पावर x है, तो x बार कितना आंसर आ गया 34। यही पूछ रहा था कि x का वैल्यू क्या होगा, आपका मेंस का सवाल था 2018 का। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, चलिए इजी क्वेश्चन था ये, खाली समझना था कॉन्सेप्ट और क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, यदि n बराबर 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6 तो रूट n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कीजिए, पहले खुद से उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा और मजा आएगा। ठीक है, पेन कॉपी लेकर के एकदम तैयार रहना है, और देखिए मैथ्स ऐसा चीज़ है कि जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप वीडियो कितना भी देख लीजिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये मैं एक बड़े भाई होने के कारण आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसलिए पेन कॉपी लेकर के प्रैक्टिस साथ साथ करना है। ठीक है, बिना पेन कॉपी का नहीं। ठीक है भाई, चलिए इसको देखिए, तो इसको क्या होता है, अच्छा तो सिंपल सा देखिए तो कुछ बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अच्छा 1 2 3 4 5 का कुछ मान लें यहाँ पे, अच्छा 1 2 3 4 5 इसको मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं तो कोई दिक्कत, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एन बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मेंस का आया हुआ सवाल है, सिजिल मेंस का है। अच्छा यहाँ पे एक्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। अच्छा इसका वैल्यू क्या है, एक्स है। अच्छा यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 6 है, तो 5 को अगर एक्स माने हैं तो 6 को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक, अब यहाँ देखिए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स प्लस एक्स कितना होता है 2x + 1 आया। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो रूट एन क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा जी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो आंसर एक्स का वैल्यू क्या माना था 1 2 3 4 5 में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा आंसर। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 इधर राइट आंसर, ऑप्शन कौन सा होगा मेरा ए हो गया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, सॉल्यूशन कैसा लगा इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक और शेयर ठीक है आप लोग कर लीजिएगा। आज के सेशन में एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं हम चुन चुन के, ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो वीडियो में बने रहना है, और वीडियो में बनना है एकदम शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है, क्योंकि स्किप करने पे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट मिस कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन वही क्वेश्चन उठाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन पढ़ा दिए। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या कह रहा है कि यदि √2 + √5 + √-√3 × k = -12 है तो k का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग एक तो बनाएंगे मेथड से, क्या होता है रैशनलाइजेशन मेथड से, तो उससे तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन मेरे पास है। ठीक, तो इसमें k का वैल्यू कौन सा ऐसा वैल्यू उठाएं कि मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आ जाए -12 आ जाए, यही ना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल से यहाँ पर दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्या है जी √2 + √5 - 3 है, मतलब कहीं ना कहीं इसका कंजुगेट से गुना करने पर आया होगा ये चीज़। ठीक है,
तो देखिए माइनस है तो क्या होगा, प्लस वाला होगा, तो माइनस वाला तो मेरा पहले ही छट जाएगा, ये भी छट जाएगा और ये वाला खाली होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुना करने पे हमको तुरंत माइनस बारह नहीं आ जाएगा, ठीक है, गुना करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका अगर माइनस का उठाते हैं प्लस वाला वैल्यू, तो एक ए वाला बच जाएगा, ए बच जाएगा, ठीक है, हम लोग रेशनलाइजेशन से बना लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको हमको डायरेक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक, कुछ अल्टरनेट सोच रहे हैं। अच्छा, इसको अगर प्लस वाला लेते हैं तो क्या हो जाएगा जी, ए इसको अगर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको चेक करके देख रहे हैं कौन सा मेरा ऑप्शन आ रहा है, तो रूट टू प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिर कौन सा करने पर आएगा, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो रूट टू का स्क्वायर कितना, दो प्लस पाँच कितना होता है, सात, अब प्लस टू रूट टेन, ये हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, तो सात में तीन गया चार प्लस टू रूट टेन, ठीक है। तो अगर दो अगर इसमें कॉमन ले लेते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, टू प्लस रूट टेन हो जाएगा, ठीक। और टू प्लस रूट टेन का मैं कितना सम मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर कितना आ जाए, माइनस बारह आ जाए, तो इसको देखिए तो टू माइनस रूट टेन में आ जाएगा, तो दो का स्क्वायर चार और माइनस दस, तो आ गया, और क्या देखिए टू इंटू आ गया माइनस सिक्स, तो कितना आ गया ना माइनस बारह। इसका मतलब कि हमको अगर बनाएंगे उसको रेशनलाइज करके तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है, वैसे ही बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ अल्टरनेट ट्रिक है कि इसका पहले हमको दिमाग लगाना कि माइनस पहला माइनस का कंजुगेट क्या होता है, प्लस प्लस वाला होता है, तो मेरा माइनस वाला तो पहले ही छट गया, ये दोनों कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किए कि इसका माइनस कंजुगेट क्या होता है, प्लस, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट टू प्लस रूट फाइव का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे सेवन प्लस टू रूट टेन माइनस तीन, तो कितना आ गया, फोर प्लस टू रूट टेन। इसमें अगर दो कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टू प्लस रूट टेन। अब इसमें क्या करना है कि हमको इसको हटाना है, तो टू प्लस रूट टेन का कंजुगेट क्या होगा, टू माइनस रूट टेन, तो दो का स्क्वायर चार माइनस दस आ गया ना माइनस छः, सेटिस्फाई कर गया। मेरा आंसर कौन सा हो गया, आंसर मेरा हो गया ये वाला ऑप्शन डी, ये वाला मेरा छट गया। तो सॉल्यूशन कैसा लगा, मस्त लगा कि नहीं लगा, क्योंकि रेशनलाइज करने में बहुत लंबा चल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको मेंस का आया हुआ सवाल था, क्लियर है भाई, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है सॉल्यूशन। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है, लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, दीवार का सीढ़ी से शीर्ष का ऊंचाई, अच्छा दीवार का सीढ़ी क्या है, ये वाला सीढ़ी ये है और शीर्ष की ऊंचाई मतलब ये वाला पोर्शन बता रहा है, ठीक है, ए बी का वैल्यू, दीवार के सीढ़ी से शीर्ष की ऊंचाई, तो दीवार का सीढ़ी कौन सा है, तो सीढ़ी ये वाला है, अच्छा शीर्ष मतलब यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, मतलब ए बी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है जी, ए बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 24, ठीक है, ये क्या है मेरा 12 यूनिट 5 यूनिट 13 यूनिट, ठीक है, तो हमको निकालना क्या है कि दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब 5 का वैल्यू बता रहा पूछ रहा है, ठीक है, तो 12 का वैल्यू अगर 24 है तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 का वैल्यू अगर 24 है तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 बच्चे 10, बस इतना ही करना था और क्या। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट, क्लियर है भाई सबको, देखिए सॉरी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का होता है बहुत ही जी, खाली बस लैंग्वेज पढ़ना है उसको समझना है, क्या बता रहा है, एक दीवार के खिलाफ झुकाव वाली सीढ़ी एक क्षैतिज जमीन से थीटा बनाती है, ठीक है, ऐसे कि टेन थीटा क्या है 12/5 है, मतलब ये 12 यूनिट है तो ये 5 यूनिट है, तो 12/5 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक। अब क्या बता रहा है आगे क्वेश्चन में कि यदि दीवार के से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 24 मीटर है, तो दीवार का शीर्ष क्या है यहाँ पे है, मतलब यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया गया है 24, मतलब 12 का वैल्यू अगर 24 है तो 5 का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, इसलिए 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10, इसलिए ट्रिपलेट से बहुत जल्दी बन गया फटाक से, ठीक है, क्वेश्चन आगे समझ में मस्त तरीके से, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 है और एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है और एक्स क्या है जेड से बड़ा है और जेड क्या है पॉजिटिव है, तो एक्स माइनस जेड का वैल्यू निकालना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, तो ट्राई कीजिए पहले खुद से कैसे क्या हो सकता है। अच्छा तो सिंपल सा इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है, इसको स्क्वायर करके देखिए तो क्या होता है, बात बनता है कि नहीं। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी, टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, यही ना होता है। तो क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना है, उन्नीस का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। अच्छा इसका वैल्यू का कितना क्वेश्चन दिया गया है 133, तो इसको लिख दें। अच्छा वो 133 को उधर लेकर चल जाते हैं, तो टू इंटू यहाँ पर क्या है एक्स जेड का वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा जी एक्स वाई प्लस वाई जेड, और जेड एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर वाई स्क्वायर है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 361। अच्छा इसमें से इसको माइनस भी करना पड़ेगा ना इसको 133 को, तो इसको 133 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11 में 3 गया 8 और 5 में 3 गया 2 और 3 में से गया 2, सही है 11 में 3 गया 8 5 में 3 गया 2 और 3 में से गया 2। अच्छा 2 से अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 114 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पर कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर y कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा जी x प्लस ये बन जाएगा आपका z, आई कितना बन जाएगा y, हाँ कुछ पैटर्न तो दिख रहा है यहाँ पे देखिए। अब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया गया है 19, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा जी, तो कितना हो जाएगा 19 छक्का 114 बटा 19 कितना और कटेगा 6 और कट जाएगा 9 छक 14 चादर 5 हाँ कट जाएगा, तो आ गया वाई का वैल्यू 6। अच्छा वाई का वैल्यू 6 निकल गया, लेकिन हमको निकालना क्या वैल्यू एक्स जेड का वैल्यू निकालना है ना, एक्स और जेड का मान निकालना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे वाई के वैल्यू अगर यहाँ पर डाल देते हैं ठीक, तो यहाँ से कुछ एक्स और जेड का वैल्यू निकल सकता है, ये कितना हो जाएगा देखिए, तो ये आ जाएगा आपका एक्स जेड इज इक्वल टू 6×36, और एक्स जेड का हमको ऐसा नंबर चाहिए कि गुना करने पर यहाँ पर कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए, तो और क्या हो सकता है वाई का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, तो यहाँ से देखिए वाई का वैल्यू अगर 6 यहाँ पुट करेंगे तो एक्स प्लस जेड का एक मिनट, हमको एक्स जेड चाहिए रिलेशन ना, हमको एक्स जेड का वैल्यू चाहिए किसी तरीके से, और ऐसा पुट करना है हमको यहाँ पर देखिए इधर कर देते थे साइड में गॉस भजन हो गया, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है जी 6 प्लस जेड बराबर 19 है, तो x प्लस जेड बराबर 19 हो जाए तो कितना बचेगा 13, ठीक है। तो x और z का मुझे ऐसा वैल्यू चाहिए कि जोड़ने पर कितना आया, जोड़ने पर आया 13 और गुना करने पर कितना आया 36 आया, देखिए तो कुछ पेयरिंग बन सकता है क्या 36 को, 36 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 दुनी 36 दुनवा 18 तीन तिहाई 9, तो तीन दुनी हाँ मिल गया पेयरिंग और क्या, तो 9 और 4 ऐसा नंबर है 36 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने पर कितना मेरा आना चाहिए 13 आना चाहिए, ठीक है जोड़ने पर आना चाहिए 13 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 36, तो यहाँ पेयरिंग देखिए सब रफ में करना पड़ेगा 36 को, ठीक है 36 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पे हमको क्या है 13 और गुणा करने पे 36, तो यहाँ पे बन गया पेयरिंग 9 और 4 13 और 9 चौका 36, तो हमको निकल गया वैल्यू जी एक्स और जेड का वैल्यू, यही तो हमको निकालना था, और एक्स बड़ा होना चाहिए मतलब एक्स का वैल्यू क्या ले लेंगे, एक्स का वैल्यू ले लेंगे 9 और उसका ले लेंगे 4, तो 9 माइनस 4 बराबर 5, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, आपका सी पी ओ का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है समझ में आ गया है कि एक बार इसको समझा देते हैं बढ़िया से, देखिए कुछ नहीं करना है जो भी डाटा दिया हुआ है पहले इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते हैं क्या हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, इतना आ गया। अब क्या करना है इसको देखिए इसका वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 133 है, तो उसको उधर लेके चल जाएंगे, तो यहाँ बच गया 2 इंटू इतना, अब क्या करेंगे इसको देखिए 2 अगर यहाँ पे जेड एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर क्या वाई स्क्वायर है, तो इसमें फुट कर देंगे वाई स्क्वायर, अब यहाँ से वाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 114, तो वाई बराबर कितना आ गया 114 बटा 19 6 आ गया, वाई का वैल्यू हमको निकल गया, लेकिन हमको निकालना क्या वैल्यू एक्स और जेड का, अब क्या करेंगे देखिए 6×36 यहाँ पे आ गया एक्स इजिकल टू 36, तो 36 को इस तरह से तोड़ना है कि हमको जोड़ने घटाने पर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आया है 6 प्लस जेड बराबर 19, तो एक्स प्लस जेड बराबर कितना आ गया 13,
अब यहाँ देखिए एक सौ जेड ऐसा वैल्यू हमको चाहिए कि गुना करने पर 36 आ, जोड़ने पर कितना है 13, तो ये आपको रफ में करना पड़ेगा 36 को, ठीक है। हम समझाने के लिए कर दिए सामने, तो यहाँ पे जैसे फैक्टराइजेशन हम लोग करते थे, तो यहाँ पे देखिए 3 3 9 9 4 13 9 4 हमको नंबर मिल गया, तो एक्स लेना है बड़ा, इसलिए क्या करना पड़ा हमको, एक्स का लेंगे वैल्यू ज़्यादा। अगर बोलता कि एक्स छोटा है जेड से, तो एक्स का क्या करना पड़ता, छोटा लेना पड़ता। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, आपका सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है भाई, क्लियर है सबको, आगे बढ़ें। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, एकदम शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि 4 × cosec² 57 − tan² 33 − cos 90 + y × इतना सारा का वैल्यू क्या है, y बाई टू है, तो इसका निकालना है हमको क्या, इसकी का वैल्यू y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत देखने में क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत बड़ा, ठीक, लेकिन क्वेश्चन को इसको उड़ाएंगे हम लोग कैसे, एकदम सेकंड में देखिए कैसे। हम लोग सब पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। अच्छा 57 और 33 जोड़ने पर कितना आ रहा, 7 × 3 = 90 आ गया ना। अच्छा इसको देखिए, तो टेन स्क्वायर को 33 को हम लोग लिख सकते हैं, एक स्टेप में लिख देते हैं, ठीक है समझाने के लिए। देखिए कोसेक स्क्वायर 57, अच्छा टेन स्क्वायर 33 को हम लिख सकते हैं कैसे, 90 माइनस इसको लिख सकते हैं जी 57, इसको 33 को 90 − 57 इतना कर देना है माइनस। अच्छा कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, ये तो खत्म हो गया। अच्छा प्लस अब क्या बन गया, वाई इंटू, अच्छा टेन 66 और टेन स्क्वायर 24 है, तो अगर टेन 90 − 66 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट 66 हो जाएगा, और टेन 66 × cot 66 कितना हो गया, 1 आ गया, तो वाई इंटू 1 आप डायरेक्ट लिखें इसको, ये कितना हो जाएगा वाई बाई टू, बस यही तो करना था। अब यहाँ देखिए टेन स्क्वायर 90 क्या होता है, कॉट थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पर मेरा कितना आ गया, पूरा का वैल्यू 1 आ गया, तो 4 + y बराबर क्या हो जाएगा, y बाई टू। कल देखने में लग रहा था क्वेश्चन बहुत बड़ा, अच्छा उसको y को उधर लेकर चले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, 4 बराबर बन जाएगा जी y बाई टू माइनस y, तो बन जाएगा आपका y बाई टू हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, −8 आ जाएगा, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा, y इक्वल टू −8, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है क्लियर है मस्त। तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सेशन के साथ, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके सीपीओ पेपर के लिए और सिलेक्शन पोस्ट के लिए, हम लोग पिक करके लाएंगे हर एक क्वेश्चन को, सीजीएल चाहे मेंस का क्वेश्चन हो चाहे पीटी का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो सोल्यूशन कैसा लग रहा आप लोग कॉमेंट बॉक्स में खुद बताइएगा, और चैनल को सपोर्ट करना है और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर 1000 के पार करना है, ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग का परिवार 1000 पहुँचेगा हम लोग ज़्यादा ज़्यादा बच्चों तक और पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो सपोर्ट और प्यार दुलार बनाए रखिए चैनल पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।